हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा चैनल एनिस मोहंतो ब्लॉग्स में आप सबको स्वागत है। चलिए, आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गया। मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं कौन सा वाला वीडियो लेके आ गया। हाँ, मैं एक मेकअप वीडियो लेके आ गया। चलिए, मैं मेरा वीडियो शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गया। मेकअप शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप के बारे में इतना कुछ पता नहीं, लेकिन जितना पता है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेकअप करने से पहले सबसे पहले अपना फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है फेस वॉश से। फिर मैं देखिए मैं फेस को अच्छे से धो के आ गया। फिर सबसे पहले मुझे मॉइस्चराइजर लगाना है, तो पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजर है लाइट वेट वाला, तो मैं वो मॉइस्चराइजर लगा लिया। बहुत अच्छे से मैं पूरा फेस में मॉइस्चराइजर लगा लेना है। मेरा नेक यार सब जगह में अच्छे से मॉइस्चराइजर हल्के हाथ से मुझे लगा लेना है, मसाज कर लेना है हल्के हल्के। तो फिर मैं एक देखिए मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद दो तीन सेकंड बाद फिर मैं प्राइमर लगाऊंगी। ब्यूटी हुडा का मैं प्राइमर लगा लूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या पता नहीं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ब्यूटी हुडा का मैं प्राइमर ले लिया। मेरे फेस के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक फेस के लिए, ऑयली ड्राई सब फेस के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से प्राइमर मेरे फेस पे लगा लिया। फिर दो तीन सेकंड के बाद फिर मैं अभी देखिए मैं मार्स का एक इंस्टेंट जो आईब्रो पाउडर है मैं ले लिया। तो अभी आईब्रो को मैं ड्रॉ करूँगी, उससे पहले मैं दिखाऊँगी। देखिए मैं आईब्रो को ड्रॉ करने से पहले मेरा जो आईब्रो है ना बहुत हल्का, बहुत ही लाइट है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आईब्रो को सबसे पहले मैं कॉम कर लूँगी। तो इसलिए देखिए मैं एक ब्रश ले लिया, कॉम ब्रश ले लिया, आईब्रो ब्रश। तो इसलिए मैं कॉम कर लिया। कॉम करने के बाद देखिए मैं दो शेड लगा लूँगी। मेरा जो फेस है, मेरा फेस का कलर जो है उस कलर के साथ, उस शेड के साथ मैं दो शेड को मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि दो शेड में ब्लैक और ब्राउन दोनों शेड को मिक्स करके लगाती हूँ। क्योंकि मेरा जो शेड है, मेरा अपना जो कलर है, कलर के साथ मेरा ये ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड को मिक्स करने से मेरा नेचुरल लुक आता है आईब्रो का, इसलिए मुझे सबसे पसंद आता है। मैं हमेशा से मैं ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके मैं आईब्रो बनाती हूँ। देखिए मेरा आईब्रो ड्रॉ हो गया बहुत अच्छे से, मुझे बहुत पसंद है ये मार्स का जो है आईब्रो पाउडर। अब देखिए मैं आईब्रो ड्रॉ होने के बाद मैं मार्स का एक कॉन्ट्रोल ले लिया, कॉन्ट्रोल कॉन्सीलर ले लिया पैलेट। तो कॉन्सीलर पैलेट को मैं अभी आईब्रो को अंडरलाइन करूँगी। अंडरलाइन करने के लिए मेरा बहुत एक लाइट कलर का कॉन्ट्रोल लेना है। तो लाइट कलर का कॉन्ट्रोल लेने के बाद मैं अंडरलाइन कर रही हूँ मेरा आईब्रो जो है। और मेन बात एक मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे इतना, मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे मेकअप के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन जितना पता है मुझे लगा है मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ, आईब्रो जब भी ड्रॉ करना है, आईब्रो ड्रॉ करने के बाद वो कॉन्टोर से अगर उसको अंडरलाइन नहीं करूँगी ना, तो उसका आईब्रो ड्रॉ मतलब पूरा उसका लुक अच्छे से नहीं आता है। तो उसके बाद देखिए मैं ब्रश से नहीं किया, मैं ब्लेंडर से मैं डैब डैब कर लिया बहुत अच्छे से। मैं आईब्रो को कॉन्टोर आईब्रो जो उसका कॉन्ट्रोल किया था उसको डैब डैब कर लिया। अब देखिए मेबलिन का जो फिट मी कॉम्बो है, इसमें एक कॉम्पैक्ट है और एक है लूज़ पाउडर। तो मैं कॉम्पैक्ट में नहीं लगाऊंगी, मैं लूज़ पाउडर लूँगी। मैं लूज़ पाउडर ले लिया मेबलिन फिट मी का। तो देखिए मेरा थोड़ा सा लग भी गया है आईब्रो में, तो उसको मैं फिर से दोबारा मैं ड्रॉ कर लूँगी आईब्रो पाउडर से। तो देखिए मैं आईब्रो पाउडर से ड्रॉ भी कर लिया। अब मैं पूरा जितना भी कॉन्ट्रोल लगाया था सब में कॉन्ट्रोल को सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर में उसको अच्छे से लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी। लूज़ पाउडर से सेट करने के बाद अब देखिए मैं स्टील का एक ये भी कॉम्बो है, मुझे बहुत पसंद है इसका। तो इसमें है ब्लेस और आई शेडो है, हाईलाइटर है और ब्लेजर है। तो इसमें मैं देखिए मैं पहले आई शेडो जो है, आई शेडो का दो कलर ले लिया। मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करके देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मिक्स करके करने से आई शेडो, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं दो कलर में पिंक और ऑरेंज दोनों को मिक्स करके मैं आई कॉर्नर दोनों कॉर्नर से मैं लगा लिया। लगाने के बाद मेरा जो कुर्ती का कलर है लाइट ग्रीन, तो उसी का मैचिंग से मैं थोड़ा लाइट ग्रीन
हाईलाइट ले लिया, तो हाईलाइट लाइट ग्रीन लेने के बाद मैं मिडिल पोर्शन में लगा लूँगी, मिडिल आई में। तो अब देखिए मैं लैक्मे का एक आईलाइनर ले लिया, तो आईलाइनर लेने के बाद मैं आईलाइनर लगा लूँगी आई में। देखिए बहुत अच्छे से एकदम आई कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरा कॉर्नर तक मुझे लगाने हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए मैं लैक्मे का जो आईलाइनर है मैं लगा लूँगी बहुत अच्छे से। मैं देखिए मेरा आईलाइनर लगा लिया, कैसे हुआ है आप लोग ज़रूर बताना, आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए अब मैं लगा लूँगी, मैं पूरा फेस के लिए मैं ले लिया फिटमी मेबिलियन फिटमी का फाउंडेशन और जो कॉन्सीलर है, कॉन्सीलर मैं पहले नहीं लगाती हूँ, कॉन्सीलर और फाउंडेशन दोनों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ। तो मैं ब्रश से बहुत अच्छे से डैब डैब कर लूँगी पूरा फेस में, पूरा फेस में मैं डैब डैब कर लिया। तो ब्रश से मैं पहले डैब डैब कर लिया, अब मैं पूरा फेस में ब्लेंडर से मैं पूरा अच्छे से आई के नीचे से लेके पूरा पूरा फेस में मुझे डैब डैब कर लेना है। जो भी मैं फाउंडेशन और कॉन्सीलर को मिक्स करके लगाया, मैं कॉन्सीलर पहले नहीं लगाती हूँ, मैं कॉन्सीलर साथ में लगाती हूँ फाउंडेशन के साथ। मैं देखिए मेरा पूरा हो गया। अब जो भी बचा हुआ था वो मैं थोड़ा सा गले मेरा जो नेक है नेक और ईयर में लगा लिया। अब देखिए मैं कॉन्ट्रोल में ले लिया, कॉन्ट्रोल को थोड़ा सा ब्रश से ब्रश में लगा लिया कॉन्टोर को। तो अब मैं थोड़ा सा चीक में लगाऊंगी। देखिए मेरा फेस जो है ना गोल है, तो मैं लगाती हूँ गोल फेस के लिए, थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा पतला दिखेगा इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्टोर लगा लिया डार्क ब्राउन का। और मेरा नाक भी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, तो इसलिए मैं नाक को भी पतला दिखने के लिए थोड़ा सा कॉन्टोर से मैं उसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मैं इसको ब्रश से नहीं करूँगी, ब्रश से करने से मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्लेंडर से मैं डैब डैब करके उसको मैं डैब डैब कर लिया। अब देखिए मेरा आई का फेस का पूरा मेकअप हो गया। अब फेस आई का जो है, आई का नीचे में थोड़ा सा जो शेड से आई साइड से मैं आई कॉर्नर दोनों कॉर्नर में दिया, उसी शेड को मैं थोड़ा सा नीचे आईलाइनर जो काजल लगाऊंगी काजल के नीचे नीचे थोड़ा सा लगा लिया। अब देखिए मैं लैक्मे का काजल ले लिया, आइकनिक का लैक्मे आइकनिक काजल ले लिया। अब आइकनिक लैक्मे आइकनिक काजल मैं लगा लूँगी ऊपर, जैसे आईलाइनर थोड़ा लंबा करके लगाया इसलिए मैं काजल को थोड़ा सा लाइट करके लगाऊँगी, ज़्यादा डार्क करके नहीं लगाऊँगी। अब देखिए मैं कॉर्नर से मैं कैसे लगाती हूँ आईलाइनर को, कॉर्नर से मैं थोड़ा सा लेती हूँ, मुझे इतना अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन जितना मुझे बोलना आता है मेरा जितना भी फ्रेंड्स है वो समझ जाएंगे कि हिंदी कैसे बोलती हूँ क्या नहीं। तो मैं देखिए कॉर्नर आई कॉर्नर भी लगा लिया। अब मैं एक मेबिलियन फिट मी का एक आई साइड मास्कारा ले लिया, मास्कारा भी मैं लगा लूँगी बहुत अच्छे से आई में। तो देखिए मैं लेस में आई लेस में लगा लूँगी बहुत अच्छे से मास्कारा, ये वाला मास्कारा भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब लगाती हूँ मेरा जो लेस है ना आई का क्या बताऊँ इतना सुंदर दिखता है। तो मैं आई लेस लगा लिया बहुत ही अच्छे से। आप देखिए मेरा फेस कैसा हो गया, एकदम पूरा रेडी। अब मैं लास्ट फिनिशिंग जो है, तो उस लास्ट फिनिशिंग से पहले मेरा लिप लाइनर, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मैं लिप लाइनर का एक बात बोलती हूँ। मेरा एक फ्रेंड्स है जिसका नाम मुझे लेना ही है, तो उन्हीं के साथ मुझे मैं सीखा हुआ लिप लाइनर जो मुझे नहीं पता था, गीतू है उसका नाम, तो उसी के साथ मैं फास्ट लिप लाइनर लगाना सीखा। तो देखिए अब मुझे अभी लगाते लगाते इतना आदत हो गया, मैं लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक कभी लगाती ही नहीं हूँ और लिप लाइनर के बिना मुझे लिपस्टिक अच्छा भी नहीं लगता। अब मैं देखिए एक लिपस्टिक भी लगा लिया, कितना सुंदर लग रहे हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद है यार गीतू, थैंक यू गीतू। चलिए फ्रेंड्स आप लोग देख लिया होगा कि मैं जो वीडियो उड़ा का मैं मेकअप फिक्सर लगा लिया। तो मेकअप फिक्सर लगाने के बाद फिर मैं 5 से 10 सेकंड के लिए हवा में छोड़ दूंगी इसको, हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद हेयर स्टाइल भी लगा लिया, हेयर स्टाइल भी कर लिया, आप लोग देख सकते हो कैसे लग रही हूँ मैं। तो कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लिया, इयररिंग्स और हेयर क्लिप लगा लिया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कैसी लग रही हो, अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को करना। और मेरे वीडियो में अगर मेकअप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करना, जो लोग नए हो मैं जैसे किया स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी करना, आप लोगों का भी मेकअप अच्छा होगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन नेक्स्ट कोई और वीडियो लेके आप लोगों के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।